गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज साई सर विद योर इकोनॉमिक्स क्लासेस. स्टूडेंट्स, यू नो टुडे वी हैव रीड अवर चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड. इट्स योर नाइन्थ चैप्टर इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो इन दिस चैप्टर वी कैन अंडरस्टैंड what is the full employment equilibrium, what is the underemployment, what is the voluntarily unemployment. So all these things we can discuss in this chapter. So first of all, the concept is deficit demand and excess demand, yani ati mang or nimna mang. First of all, we can discuss that what is the full employment equilibrium and under unemployment equilibrium. So equilibrium is struck when aggregate demand and aggregate supply is equal to each other. यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति जहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं वहाँ पर जो है संतुलन स्थापित हो जाता है. इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहाँ पर ये दोनों एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो. अब दूसरी बात ये आती है कि जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाएं क्या वहाँ पर पूर्ण रोज़गार है. तो ये सिचुएशन भी हम रीड करेंगे कि किस तरह से फुल इक्विलिब्रियम में यानी वेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू ईच अदर देन व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ व्हाट इज़ द रिसोर्सेज आर फुल यूटिलाइजेशन और नॉट. तो क्या उन पर सभी साधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन अगर हम करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो रेफर टू ए सिचुएशन इन द इकोनॉमी वेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू ईच अदर अलोंग विद फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं क्या उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है उस सिचुएशन पे जहाँ पर मांग यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हों. जहाँ पर यानी वेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू ईच अदर अलोंग विद द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट इज द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. यानी पूर्ण संतुलन, पूर्ण रोजगार संतुलन इसको हम कहेंगे. अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो पूर्ण रोजगार संतुलन हम उसको कहेंगे. पूर्ण रोजगार संतुलन वह स्थिति होती है जहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर हों. किसके साथ? यानी दोनों बराबर तो हैं पर जितने साधन रोजगार के थे, जो रोजगार के लायक थे उनको रोजगार मिल रहा है, उस सिचुएशन को हम पूर्ण रोजगार संतुलन स्थिति कहते हैं. अब उसके बाद बेटा इसमें दो चीज़ें आती हैं. यानी हम अगर न्यूमेरिकल्स कहें तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होंगे या एस और आई दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एग्रीगेट सप्लाई में कौन कौन से होते हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर. तो हम कह सकते हैं एस और आई जहाँ पर दोनों बराबर हों वहाँ पर हमारा संतुलन होता है. ठीक है, अब उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे वॉलेंट्री एंड अनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री एंड अनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इच्छित रोजगार एंड अनिच्छित बेरोजगार. वॉलेंट्री एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छित बेरोजगार और अनैच्छिक बेरोजगारी. यानी ऐच्छिक का मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हम खुद बेरोजगार रहना चाहते हैं और अनिच्छा है कि हम रोजगार रहना चाहते हैं लेकिन हमें रोजगार मिल नहीं रहा है. तो उस सिचुएशन को दोनों को तो इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमाइन अनएम्प्लॉयमेंट इवन व्हेन जॉब आर अवेलेबल. यानी लोग मन से बेरोजगार रहना चाहते हैं जबकि जॉब उनके लिए है पर वो करना नहीं चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट यानी ऐच्छिक बेरोजगार. यानी हम अपने मन से बेरोजगार रहना चाहते हैं उस सिचुएशंस को हम बोलते हैं. तो दे मे नॉट बी विलिंग टू वर्क, यानी उनकी इच्छा नहीं है काम करने की और नॉट विलिंग टू एट वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, तो उसको हम कहेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी. दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगारी, इट मीन्स अपोजिट जस्ट. यानी लोग काम करना चाहते हैं, प्रचलित जो मजदूरी दर है, वर्तमान जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पर लोग पीपल्स आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग रेट बट दे आर अनेबल टू गेट द वर्क. यानी वो काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है,
तो उनकी मर्जी के खिलाफ वो बेरोजगार रह रहे हैं. डैट सिचुएशन इज कॉल्ड द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. डैट्स क्लियर, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल था कि व्हाट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सेकंड था वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड था अनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. अब बात आती है आगे, वो कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि द पीपल आर willing to work at the exacting wage rate and they are able to get the work. But in these situations, it doesn't mean ki zero unemployment. Iska matlab ye nahi hai ki sab logon ko kaam mil raha hai, fir bhi hum keh sakte hain ki zero unemployment nahi. Fir bhi kuch na kuch berozgari pai jati hai. Wo kis tarah ki pai jati hai? I can explain it. Wo keh raha ki full employment refer to a situation when all the peoples who are able to work and are willing to work at the exacting rate are getting the work. It is situation when corresponding to a given wage rate, demand for labor and supply. तो अब बात आती है कि it doesn't matter कि यहाँ पर zero unemployment, यानी situation of full employment does not mean a situation of zero unemployment. यहाँ पर involuntary situation आ जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि लोग सब लोगों को रोज़गार मिल गया. अब यहाँ पर जो लोगों को रोज़गार तो मिल रहा था पर अपनी इच्छा से वो काम नहीं करना चाहते, तो वो सिचुएशन आ गई. तो इसका मतलब ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो लोग काम करने के लिए तैयार हैं उनको काम मिल रहा है. तो इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर जो है ज़ीरो बेरोज़गारी. फिर उसके बाद आता है कि फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंज ऑफ जॉब इन डायनेमिक इकोनॉमी. यानी इकोनॉमी में जो नए परिवर्तन आने के कारण, नई टेक्नोलॉजी आने के कारण, या जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा परिवर्तन आने के कारण जो कुछ समय के लिए बेरोजगारी होती है उसको हम फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कुछ समय के लिए. जैसे कभी कभी इंडस्ट्री फैक्ट्री चल रही थी, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, तो उस सिचुएशन में एक दो दिन के लिए लोग बेरोजगार हो गए, या पावर सप्लाई में प्रॉब्लम हो गई है वहाँ कुछ समय के लिए बेरोजगार हो गए, तो उसको उनको हम फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. तो ये कुछ कुछ टॉपिक हैं बेटा, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के जो आते हैं उनको ध्यान रखना. फिर आता है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट डैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज. यानी लंबे समय तक किसी इंडस्ट्री के कारण उसमें जो लगातार हानि होती रहती है, उसमें जो प्रॉफिट नहीं होता, लॉस जाता रहता है, तो उसके कारण उसको बंद करना पड़ जाता है, तो उस कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है बेटा, अब जो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट टॉपिक इज दैट प्रॉब्लम ऑफ डिफिशियंट डिमांड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीड टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज डिफिशियंट डिमांड. डिफिशियंट डिमांड मीन्स शॉर्टेज, एग्रीगेट डिमांड यानी मांग की कमी. अभी हमने पढ़ा था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, यानी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज स्ट्रक टू ईच अदर. लेकिन कहीं पर जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन उससे पहले ही हमारी डिमांड उससे कम हो जाए तो उसको डिफिशियंट डिमांड बोलते हैं. यानी जितनी डिमांड हमें चाहिए संतुलन स्थापित करने के लिए, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर एग्रीगेट डिमांड जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें चाहिए, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो रह जाती है, उसको डिफिशियंट डिमांड बोलते हैं. इसको मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा. तो डिफिशियंट डिमांड क्या होती है एक्चुअल में, देखिए डिफिशियंट डिमांड मींस डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड. यानी डिमांड इज सेट टू बी डिफिशियंट व्हेन इट लोअर देन इट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी साधनों का पूर्ण उपयोग के लिए जितनी मांग की हमें जरूरत है, मांग उससे कम है, उसको हम डिफिशियंट डिमांड बोलते हैं. यानी फॉर एग्जांपल हमें हमारी सप्लाई 50 है, 50 है, तो एग्रीगेट डिमांड हम सप्लाई जो है एक्सपेक्टेशन सप्लाई हमारी 50 यूनिट की है किसी चीज़ की, लेकिन डिमांड 40 हो रही है. 50 होनी चाहिए थी एग्रीगेट, जब ही तो इक्विलिब्रियम होता, लेकिन डिमांड जो है वो 40 की है, तो 50 और 40 का जो डिफरेंस 10 का है वो डिफिशियंट डिमांड कहलाएगी. डेट्स क्लियर, इसको मैं एक डायग्राम द्वारा समझाऊंगा आपको. तो डिफिशियंट डिमांड डिमांड सेट टू बी डिफिशियंट व्हेन इट इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और एग्रीगेट डिमांड इज डिफिशियंट व्हेन इट डज नॉट परमिट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी.
तो इसका मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा बेटा, बुक भी चेक कर लेना, बुक में भी आपको ये दे रखा है। तो डिफिशियंट डिमांड का, उसके बाद हम इसको मापते कैसे हैं, एक्चुअल में डिफिशियंट डिमांड से प्रॉब्लम क्या होती है, जब डिफिशियंट डिमांड हो गई है तो हमें काउजेस क्या होगा, दिक्कतें क्या होंगी, इसका रीज़न क्या है। तो सीधी बात है, किस कारण से जो है डिफिशियंट डिमांड होती है, डिफिशियंट डिमांड के कारण क्या है, क्यों पैदा होती है, क्यों क्रिएट होती है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यू नो डैट कि जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, प्राइवेट लोग जो एक्सपेंडिचर करते हैं, वही तो डिमांड कहलाती है। जब उसमें कमी आ जाती है, इट मीन्स कि लोग जो हैं वो सेविंग कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर जब कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड में कमी होगी। तो पहला कारण है रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन, सेकंड है रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि कंजम्पशन और आई यानी इन्वेस्टमेंट दोनों डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट मैंने रीड किया था, आपको बताया था कि रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन, सेकेंड है रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर प्राइवेट लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वही मैंने वो जो है सेविंग कर रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड में कमी आएगी, दो रही। तीसरा रीज़न है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करती है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर करना है, प्रशासन को चलाने के लिए पुलिस आर्मी के ऊपर जो खर्च होता है, ये सारे एक्सपेंडिचर अगर कम हो जाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड को कम हो जाती है हमारी। चौथा कारण है डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, भाई जब हमारा एक्सपोर्ट दूसरे देशों को जाता है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट अगर हमारा कम हो गया, उन्होंने कम कर लिया, जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उनकी डिमांड कम कर दी, तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड कम हो जाएगी। राइज इन इम्पोर्ट, और जब हम दूसरी चीज़ों की यहां इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो डिमांड है कर तो रहे हैं, लेकिन वो डिमांड दूसरे देश के लिए, जो हमारा प्रोडक्शन है अपनी इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन है उसके लिए तो नहीं है। तो हमारा तो मकसद ये है कि जो हमारा घरेलू प्रोडक्शन है उसके लिए डिमांड होनी चाहिए। तो जब रिडक्शन इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड राइज इन एक्सपोर्ट, दैट्स रिजल्ट इज रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड, तो डिफिशियंट डिमांड का कारण बन जाती है। फिर इंक्रीज इन टैक्स रेट, कई बार जब गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देती है, तो टैक्स इंक्रीज होने के कारण जो टैक्स बढ़ा हुआ जो टैक्स होता है वो प्राइस में ऐड हो जाता है, तो उस प्राइस को इंक्रीज कर देता है। तो देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन प्राइस इंक्रीज देन डिमांड इज डिक्रीज, तो डिमांड कम हो जाती है, तो वो डिफिशियंट डिमांड का रीजन बन जाता है। अब बात आती है कि कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिफिशियंट डिमांड फॉर क्रिटिकल सिचुएशन इन द इकोनॉमी, तो इसके रीजन क्या हो जाते हैं, फिर क्या प्रभाव पड़ता है फिर इकोनॉमी के अंदर डिफिशियंट डिमांड का। तो पहला अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पहला पॉइंट तो ये होता है कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो उसके बाद में एग्रीगेट सप्लाई को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई है, तो अननेसेसरी स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, अननेसेसरी स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा तो जो प्रोड्यूसर है उसके लिए वो घाटे का सौदा होगा, तो वो क्या करेगा, स्टॉक को कम करेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करेगा, और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करेगा तो सप्लाई वो लोगों को रोजगार से निकालेगा, सप्लाई कम होगी वो इतनी कम हो जाएगी जहां पर एग्रीगेट डिमांड उसको स्ट्रैक करेगी वहां संतुलन स्थापित हो जाएगा। लेकिन वो संतुलन कौन सा होगा, वो संतुलन होगा अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी अल्प रोजगार संतुलन। अल्प रोजगार संतुलन का मतलब है संतुलन तो हो गया, लेकिन अब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए वो जो है पहला रीजन ये होगा। दूसरा डिफ्लेशनरी गैप बन जाएगा, यानी मुद्रा अस्फीति बढ़ जाएगी। अस्फीति का मतलब क्या होता है कि डिफिशियंसी ऑफ डिमांड क्रिएट डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, इन सिचुएशन लैक ऑफ डिमांड लीड टू इन्फ्लेशनी, यानी कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। डिफ्लेशनरी का मतलब होता है कि एक निश्चित स्तर से जो हमारा सामान्य कीमत है, हमारी जो सामान्य कीमत होती है, मांग कम हो गई तो कीमतें कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि माल बिक नहीं रहा, डिमांड सप्लाई तो ऑलरेडी ज़्यादा थी, डिमांड है नहीं, अननेसेसरी स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। अननेसेसरी स्टॉक को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दो तरीके होते हैं हमारे पास, या तो हम अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करेंगे, या फिर हम उसके प्राइस को डाउन करके उस स्टॉक को कम करेंगे। तो प्राइस जब कम हो जाएगा उसको डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अनडिजायर्ड स्टॉक, ऑब्वियसली जब एग्रीगेट डिमांड कम है तो अनडिजायर्ड स्टॉक बढ़ जाएगा। अनडिजायर्ड स्टॉक का मतलब होता है कि जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर है वो हमेशा ये चाहता है कि उसका स्टॉक अनडिजायरी ना हो, एक निश्चित मात्रा में वो रख सकता है, लेकिन जब माल बिकेगा नहीं तो बढ़ेगा। तो तीसरा रिजल्ट इसका ये निकलेगा। चौथा लॉस ऑफ प्रॉफिट, ऑब्वियसली जो आप प्रोडक्शन कर रहे थे, जितना कम प्रोडक्शन होगा, जितनी कम सेल होगी आपकी, डिमांड जितनी कम होगी उतना ही आपको प्रॉफिट कम होगा, तो चौथा रीजन ये होगा।
अब बेटा अगला है दो हमारा नेक्स्ट, ये तो हमारा डिफिशियंट डिमांड था, अब हमारा अगला है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड जो फुल यूटिलाइज फुल इक्विलिब्रियम है, जो पूर्ण रोजगार संतुलन है, उसके लिए जितनी हमें डिमांड चाहिए एग्रीगेट सप्लाई के बराबर, डिमांड उससे ज़्यादा है। यानी हमारा जो है ना फुल इम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो 50 पर है, एग्रीगेट डिमांड भी 50, एग्रीगेट सप्लाई भी 50, लेकिन एग्रीगेट डिमांड 60 हो गई जबकि एग्रीगेट सप्लाई हमारी 50 है और फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्स उसका, तो उस सिचुएशन में जो डिमांड बढ़ेगी वो हमारी एक्सेस डिमांड कहलाएगी। यानी पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए जितनी मांग हमें चाहिए, कुल मांग उससे अधिक हो रही है, तो उसको हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। अब इसका रीज़न क्या है एक्सेस डिमांड का? इसका रीज़न ये होता है, जो हमने अभी डिफिशियंट डिमांड के पॉइंट पढ़े थे वही पॉइंट इसके हैं। इसके क्या है, एक्सेस डिफिशियंट डिमांड में प्राइवेट कंजम्पशन का कम हो जाना, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन। लेकिन इसके अंदर क्या है, एक्सेस डिमांड का मतलब है कि प्राइवेट कंजम्पशन इंक्रीज, इंक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन, दूसरा इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तीसरा इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा ये रिडक्शन इन इम्पोर्ट एंड राइज इन एक्सपोर्ट, एंड रिडक्शन इन फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा रिडक्शन इन टैक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस डिमांड को क्रिएट करती हैं। अब एक्सेस डिमांड के परिणाम क्या निकलते हैं? सबसे पहला परिणाम इन्फ्लेशनरी गैप जो आज तक चल रहा है। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है मुद्रा अस्फीति, यानी सामान्य कीमत स्तर से कीमतों का बहुत अधिक लगातार बढ़ते रहना। ऑब्वियसली जब एक्सेस डिमांड होगी, एक्सेस सप्लाई से जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन सप्लाई है, एक्सपेक्टेशन एग्रीगेट डिमांड उससे अधिक हो जाती है, तो उस बढ़ी हुई कीमत, बढ़ी हुई मांग, अब आप सप्लाई जो है 50 की कर रहे थे, डिमांड 60 की हो रही है और आप फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज के, वी कांट इंक्रीज द सप्लाई, क्योंकि व्हाई वी कांट इंक्रीज द सप्लाई, व्हाई बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूटिलाइजेशन ऑफ फुल रिसोर्सेज, जितने हमारे पास साधन उनका पहले ही पूर्ण प्रयोग कर रहे थे हम, तो वी कांट इंक्रीज द सप्लाई। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपन, ऑब्वियसली इंक्रीज द प्राइस, क्योंकि जिन लोगों को माल नहीं मिल रहा था ब्लैक मार्केट होगी, वो ज़्यादा कीमत ऑफर करेंगे, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उनको माल सेल करेंगे, तो इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ जाता है, यानी कीमतें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाती हैं। स्टैटिक जीडीपी होता है, स्टैटिक